हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे और एक फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हम किस प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं। वो प्लांट है ड्रैगन फ्रूट्स, वो जो बिल्कुल नया है हमारे लिए। आप देख सकते हैं ड्रैगन का प्लांट है, बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। ये 14 माह का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा टायर लगा हुआ है यहाँ पे। जिस गार्डन को हम दिखाने वाले हैं, वो इस जगह पे 3 तरीक़ों से फ्रेंड्स ड्रैगन फ्रूट्स का चाश किया जा रहा है। तो हमको पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रैगन के साथ दूसरा जो सब्ज़ी है वो भी उगाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत पहले और भी सब्ज़ी उगाया गया था। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे 120 प्लांट्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पूरा फुल फ्लावर खिल रहा है, कलियाँ खिल रही है, यहाँ पे फ्रूट्स खिल रहे हैं, पत्ते भी निकल रहे हैं, बहुत सारे स्टेम निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं डेमो वाला प्लांट्स है, ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो आप पूरा आज इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लियर देख रहे हैं खिल रहे हैं। यहाँ पे एक बारिश अगर लग जाए ना इसके अंदर, तो वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाते, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको ढक के रखना पड़ता है रात को। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे फुल खिल रहे हैं, और देख सकते हैं फिलर पे है। जो फिलर है उसका हाइट जो है फ्रेंड्स वो 5 फीट है। अगर आपको बनाना है तो आपको उसको 7 फीट बनाना है, क्योंकि 2 फीट उसके नीचे चला जाएगा ज़मीन के नीचे। तो उसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं पूरा इन्फॉर्मेशन। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया है, ट्रेनिंग लिया है उसके बारे में फ्रेंड्स। देख सकते हैं टायर पर लगा हुआ है, टायर के ऊपर जो होता है उसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन जो सीमेंट का पिलर होता है, पिलर के ऊपर जो रिंग होगा वो भी अगर सीमेंट का होगा तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छा खिलता है। नहीं तो बारिश होगी तो वो क्या होगा कि वो हिल डुल जाता है, इधर से उधर जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो सीमेंट का रिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है ड्रैगन फ्रूट्स के लिए फ्रेंड्स। वो देख सकते हैं बहुत अच्छा कलियाँ खिल रही है, बहुत खूबसूरत सा देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरा साइड से देखिए, बहुत अच्छा सा खिल रहा है, कलियाँ खिल रही है, स्टेम खिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 फ्लावर है, दोनों फ्लावर जो है अभी हमको दिखाएंगे। कलियाँ छोटी छोटी कलियाँ है, ये देख सकते हैं एक कलियाँ जो है वो ख़राब हो रही है बारिश के कारण, उसको तोड़ देना होता है फ्रेंड्स। मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। और फ्रेंड्स, ये भी देखिए एक साथ कि जो पिलर के अंदर जो ड्रैगन फ्रूट्स का प्लांट्स है वो कैसे पिलर के साथ अटैच्ड हो रहा है फ्रेंड्स। अगर उसके ऊपर टायर के ऊपर वो इस तरह से अटैच नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं बहुत सारी कलियाँ बारिश के कारण ख़राब हो जाते हैं, तो उसको प्लास्टिक के पैकेट से ढकना होता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट्स पूरा खिल रहे हैं। ये जो वेराइटी है उसका जो मैक्सिमम वेट होता है वो 400 ग्राम, हमारे लोकल के हिसाब से उससे ज़्यादा वेट हमको नहीं मिला है। तो ये देख सकते हैं नया वाला है, वो 4 महीने के आसपास का प्लांट्स है, यहाँ पे ऊपर खिल जाते हैं। 5 महीने के अंदर वो फिलर को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं ऊपर टायर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा नया। साइड में हमारा बहुत सारी सब्जियाँ भी उग रही है, ये देख सकते हैं पूरा फिलर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीमेंट ऊपर सीमेंट का रिंग होगा तो उसको आपको रॉड नहीं रखना है। ये देख सकते हैं पूरा खिल रहा है, ये 14 माह का प्लांट्स है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं साइड से भी नया नया कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 1000 प्लांट्स का फ्रेंड्स एक गार्डन होने वाला है पूरा, बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे देखिए आप पूरा देख सकते हैं, ये ज़्यादा महीने नहीं हुआ है, 2 से 6 महीने हुआ है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर रड लगा हुआ है, कुछ के अंदर टायर लगा हुआ देख सकते हैं आप। पूरा देखिए किस तरह से धीरे धीरे से रूट्स आ रही है और फिलर के साथ चिपक रही है फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर से उसको ह्यूमिडिटी मिलता है फ्रेंड्स, तो वो चिपके गई। और इस तरह से पकड़ने से फ्रेंड्स क्या होता है कि वो इधर उधर हिल डुलता नहीं है, पहले आपको उसको रस्सी से बांध देना पड़ता है, उसके बाद वो यहाँ से चिपक जाता है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और ख्याल रखना है कि जो पिलर के साथ चिपकेगा वहाँ से कोई ब्रांच ना निकले, पिलर के ऊपर जो रिंग होगा उसके ऊपर से सारे ब्रांच आए, नीचे से आएंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा फल नहीं खिलते और पौधों का भी बहुत नुकसान करते हैं। देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिपक गया है और रस्सी से भी बांधा हुआ है।
ऊपर का जो है फ्रेंड्स वो आपको 5 फीट रखना है, आप वो चीज़ ख्याल रखिए। और ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर एक चीज़ और है कि फ्रेंड्स आप उसके नीचे जो ज़मीन होता है वहाँ पे पानी नहीं अटक सकता, अगर वो अटकेगा वो पूरा गल जाएगा, आपका प्रोजेक्ट पूरा नुकसान हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं पूरा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देखिए पूरा, कुछ के अंदर टायर लगा हुआ है और कुछ टायर ढूंढने का काम चल रहा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जिसका मेच्योर जो प्लांट्स होगा छोटा, जिससे काट करके इसका पौधा तैयार किया है, वो बहुत अच्छा होता है। देख सकते हैं पानी का भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, ये देख सकते हैं फ्रूट्स करके उसका जो ओनर है वो दिखा रहे हैं हम लोगों को, ये देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट्स कट कर रहे हैं, आप देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। आप अगर चाहते हैं तो आप उसको पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे 4 पौधा लगाया गया है, अगर आप 2 भी लगाएंगे तब भी अच्छा है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं यहाँ पे कलियाँ भी खिल रही है, फ्रूट्स भी आने वाला है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। पॉट के अंदर आपको उसके लिए 16 इंच का या 20-22 इंच का पॉट चाहिए, ये देख सकते हैं सीमेंट का रिंग के अंदर है, ये 6 महीने का पौधा है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे ब्रांच नीचे देखिए पूरा अटक गया है, ये देख सकते हैं रिंग किस तरह से है, आप देखिए पूरा, आपको 4 होल रखना है 4 पौधों के लिए, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं। रिंग के अंदर होने से बहुत अच्छा होता है, बारिश के अंदर अगर तूफान आ रही है तो जैसे हमारे अभी उम्फान आया है तो उस तरह से अगर तूफान आएगा तो आप प्लांट्स को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे, टायर के अंदर वो डैमेज हो जाता है फ्रेंड्स, और उससे ह्यूमिडिटी भी नहीं मिलता क्योंकि सीमेंट का जो रिंग होता है वो ह्यूमिडिटी रख पाते हैं, लेकिन टायर जो होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बना नहीं पाता, तो इसलिए फ्रेंड्स आप ट्राई करें सीमेंट का रिंग, ये देख सकते हैं पूरा बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं उसको एक बैम्बो का स्टिक से दिया हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर से किस तरह से दिखता है गार्डन, ये देखिए बहुत खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स ये गार्डन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मेरा तो आगे आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय फ्रेंड्स।